हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के शानदार 10 नाइट्स 11 डेज राजस्थान टूर पैकेज की। दोस्तों, IRCTC एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में IRCTC राजस्थान घूमने के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम राजस्थान लैंड पैकेज है, जिसके तहत आप राजस्थान यात्रा के लिए जा पाएंगे। इस पैकेज के जरिए आपको राजस्थान के फेमस प्लेसेस जैसे जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू, उदयपुर और पुष्कर घूमने का मौका भी मिलेगा। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com के साथ साथ अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इस लैंड टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। IRCTC का यह पैकेज जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, माउंट आबू, उदयपुर, पुष्कर, जयपुर के नाम से है और इसकी शुरुआत और अंत जयपुर में ही होगी। जयपुर तक आप जिस भी माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। वहां के स्टेशन या एयरपोर्ट से आपको इस पैकेज के अंतर्गत कैब में बैठाया जाएगा और इसके साथ ही 10 रातें और 11 दिनों वाले इस टूर पैकेज की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों, यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी राजस्थान में घूमने के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक है तो चलिए IRCTC के इस सस्ते राजस्थान टूर पैकेज के बारे में जान लें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत जयपुर से होगी और ये पूरी यात्रा 10 रात और 11 दिन यानी 10 नाइट्स 11 डेज की होगी, जिसमें आप जयपुर में 2 नाइट्स, बीकानेर में 1 नाइट, जैसलमेर में 2 नाइट्स, जोधपुर में 1 नाइट, माउंट आबू में 1 नाइट, उदयपुर में 2 नाइट्स और पुष्कर में 1 नाइट के लिए स्टे करेंगे। इस पैकेज में आपको 3 टाइप के कैटेगरी मिलेंगी, जिसमें स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरी पैकेज के ऑप्शन होंगे। इस टूर पैकेज में आप जयपुर के हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, बीकानेर में जूनागढ़ का किला, ऊंट ब्रीडिंग सेंटर और देशनोक मंदिर, जैसलमेर में जैसलमेर फोर्ट, पटवू की हवेली, वार म्यूजियम, कुलधरा गांव को घूम पाएंगे। इसके साथ ही आपको जैसलमेर के सैम सैंड ड्यून्स में सनसेट पॉइंट का शानदार व्यू को अपने कैमरे में कैप्चर करने का मौका भी मिलेगा और फिर आप जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट, उमेद भवन म्यूजियम, दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में नक्की झील, सनसेट पॉइंट, गुरु शिखर मंदिर, ब्रह्मा कुमारीज आश्रम, शांति पार्क यानी पीस पार्क, उदयपुर में एकलिंग जी, हल्दी घाटी, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर लेक, सिटी पैलेस, पुष्कर में पुष्कर झील, ब्रह्मा मंदिर और अजमेर में दरगाह शरीफ जैसे डेस्टिनेशन को विजिट कर पाएंगे। पैकेज के तहत आपको हर जगह जाने के लिए एसी कैब के साथ ही 10 ब्रेकफास्ट दिए जाएंगे। साथ में आपको शानदार एसी होटल में रुकने की फैसिलिटीज भी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शामिल है, जिसमें आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट से पिक करना भी शामिल होगा। आपको बता दें कि इस टूर पैकेज की शुरुआत अगस्त के महीने से होती है और अगले साल के मार्च तक आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 25,000 रुपए से होगी। और अब आपको बताते हैं IRCTC के इस टूर पैकेज में किन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये एक लैंड टूर पैकेज है जिसके तहत पूरी यात्रा बाय रोड यानी सड़क के माध्यम से होगी। इस पैकेज के तहत आपको 3 कंफर्ट क्लास के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें पहला है इंडिगो, डिजायर या एटियोस, दूसरा है इनोवा, टवेरा या जाइलो और तीसरा है टेम्पो ट्रेवलर, और तीनों ऑप्शंस आपको स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरी पैकेज में मिलेंगे। इस टूर में अगर आप एटियोस, इंडिगो या डिजायर जैसी गाड़ियों पर ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत लगभग 29,000 रुपए से होगी। वहीं अगर आप इनोवा, टवेरा या जाइलो जैसी गाड़ियों पर ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत लगभग 30,000 रुपए से होगी, और अगर आप टेम्पो ट्रेवलर पर ट्रिप करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत लगभग 25,000 रुपए से होगी। इस टूर की कीमत आप जिस तरह का पैकेज चुनते हैं उसके हिसाब से है। ये पैकेज स्टैंडर्ड, डिलक्स और लग्जरी 3 कैटेगरी में अवेलेबल है। पैकेज के हिसाब से आपके ग्रुप का साइज और कार होगी। जैसे इंडिगो, डिजायर या एटियोस में 4 लोगों का ग्रुप जाएगा,
तो इनोवा, जाइलो, तवेरा में 6 लोगों का और टेम्पो ट्रेवलर में 10 लोगों का। एक बुकिंग में एक परिवार या एक ग्रुप के 3 लोगों को होटल का एक डबल रूम दिया जाएगा, जिसमें एक डबल बेड के साथ एक एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आपके साथ 5 से 11 साल का कोई बच्चा है तो वो भी आपके साथ रह सकता है। दोस्तों, अब आपको इस पैकेज का फेयर डिटेल से बताते हैं। यदि आप इस टूर पैकेज में स्टैंडर्ड कैटेगरी को चुनते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो आपको 74,000 से 76,000 के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आप डबल ऑक्यूपेंसी यानी 2 लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 38,000 से 40,000 के बीच, और यदि आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी एक साथ 3 लोगों की बुकिंग कराते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन 29,000 से 31,000 के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। स्टैंडर्ड कैटेगरी में यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको 10,000 से 12,000 पे करना पड़ेगा, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड तो आपको 7 से 9,000 पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप इस टूर पैकेज में लग्जरी कैटेगरी को चुनते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक कराते हैं तो आपको 93,000 से 95,000 के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आप डबल ऑक्यूपेंसी यानी 2 लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 50,000 से 52,000 के बीच, और यदि आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी एक साथ 3 लोगों की बुकिंग कराते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति यानी पर पर्सन 38,000 से 40,000 के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको 16,000 से 18,000 के बीच पे करना पड़ेगा, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड तो आपको 12 से 14,000 के बीच पे करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप इस टूर पैकेज में डिलक्स कैटेगरी को चुनते हैं तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी एक जने के लिए बुक करते हैं तो आपको 80,000 से 82,000 के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आप डबल ऑक्यूपेंसी यानी 2 लोगों के लिए एक साथ बुक करते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 41,000 से 43,000 के बीच, और यदि आप ट्रिपल ऑक्यूपेंसी यानी एक साथ 3 लोगों की बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 31,000 से 33,000 के बीच पैकेज की कॉस्ट आएगी। यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है और आप उसके लिए बेड लेना चाहते हैं यानी चाइल्ड विद बेड का ऑप्शन चुनते हैं तो आपको 11,000 से 13,000 के बीच पे करना पड़ेगा, और यदि आप बेड नहीं लेना चाहते यानी चाइल्ड विदाउट बेड तो आपको 8 से 10,000 के बीच पे करना पड़ेगा। दोस्तों, अब आपको इस टूर पैकेज की आइटिनरी यानी पूरा यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा के पहले दिन आपको जयपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट से पिक किया जाएगा। उसके बाद होटल में चेक इन कराया जाएगा और फिर हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस आदि जगहों पर घुमाकर वापस होटल में स्टे कराया जाएगा, यानी रात्रि विश्राम जयपुर के होटल में होगा। दूसरे दिन नाश्ते के बाद जयपुर के जल महल, नाहरगढ़ किला, आमेर किला आदि जगहों की साइट सीइंग कराई जाएगी और रात्रि विश्राम जयपुर के होटल में ही होगा। तीसरे दिन नाश्ते के बाद बीकानेर के लिए निकलेंगे। यहाँ ऊंट प्रजनन फार्म और देशनोक मंदिर जैसे दर्शनीय स्थलों की यात्रा करेंगे और रात्रि विश्राम बीकानेर के होटल में ही होगा। इसके बाद चौथे दिन नाश्ते के बाद जूनागढ़ किला को विजिट करेंगे और फिर जैसलमेर के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर शाम को सैम सैंड ड्यून जाएंगे और जैसलमेर के होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के पांचवे दिन नाश्ते के बाद जैसलमेर के कुलधरा गांव, जैसलमेर किला, पटुओं की हवेली और युद्ध संग्रहालय यानी वार म्यूजियम को विजिट करेंगे और जैसलमेर के होटल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। यात्रा के छठे दिन नाश्ते के बाद जोधपुर के लिए निकलेंगे। यहाँ मेहरानगढ़ किला देखेंगे और रात्रि विश्राम जोधपुर के होटल में करेंगे। यात्रा के सातवें दिन नाश्ता करने के बाद जोधपुर के उम्मेद भवन संग्रहालय को विजिट करेंगे और फिर माउंट आबू के लिए आगे बढ़ जाएंगे और फिर शाम को नक्की झील, सनसेट पॉइंट को विजिट करेंगे और रात्रि विश्राम माउंट आबू के होटल में ही करेंगे। यात्रा के आठवें दिन नाश्ता करने के बाद माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर मंदिर, ब्रह्म कुमारीज और शांति पार्क को विजिट करने के बाद
उदयपुर के लिए निकलेंगे और उदयपुर के होटल में चेक इन करने के बाद रात्रि विश्राम उदयपुर के होटल में ही करेंगे। यात्रा के नवे दिन नाश्ता करने के बाद एकलिंग जी को विजिट करेंगे और फिर हल्दी घाटी देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। हल्दी घाटी से वापस आने के बाद वापस उदयपुर आएंगे और फिर उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी देखने के साथ साथ फतेह सागर लेक में बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं। यहां पर बोट राइड के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा और रात्रि विश्राम उदयपुर के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 10वें दिन नाश्ता करने के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस को विजिट करेंगे और फिर पुष्कर के लिए निकलेंगे और पुष्कर के होटल में चेक इन करने के बाद रात्रि विश्राम पुष्कर के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 11वें दिन नाश्ता करने के बाद अजमेर के लिए आगे बढ़ेंगे और फिर अजमेर में दरगाह शरीफ और पुष्कर में दर्शन करने के बाद वापस जयपुर के लिए निकलेंगे और फिर आपको जयपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया जाएगा और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका राजस्थान टूर संपन्न हो जाएगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि IRCTC राजस्थान पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल है। इस पैकेज में आपको 10 ब्रेकफास्ट, शानदार AC होटल, पूरे रास्ते गाड़ी में AC की सुविधा, स्टेशन और होटल से पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए भी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ साथ टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पार्किंग शुल्क, GST और ड्राइवर का चार्ज भी इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा। और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एक्सक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। किसी भी मॉन्यूमेंट यानी स्मारकों की एंट्रेंस फीस आपको अलग से पे करनी होगी। इस पैकेज में ट्रेन एयर फेयर शामिल नहीं है क्योंकि ये एक लैंड पैकेज है जिसकी शुरुआत जयपुर से सड़क के माध्यम से होगी। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी एक्टिविटीज के लिए फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा टिप्स, इंश्योरेंस चार्ज, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्जेज, लॉन्ड्री भी इसमें शामिल नहीं है। और अब बात करते हैं IRCTC राजस्थान टूर पैकेज की कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 15 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके पैसों में से प्रति व्यक्ति ₹250 की कटौती होगी, यानी कि पर पर्सन ₹250 डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आप 8 से 14 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज में से 25% की कटौती की जाएगी, यानी 25% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 4 से 7 दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 50% की कटौती की जाएगी, यानी 50% का डिडक्शन किया जाएगा। यदि आप 4 या इससे कम दिनों में पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC टूरिज्म की ऑफिशियल वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर रीजनल और जोनल ऑफिस के जरिए भी बुकिंग और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों आप भी IRCTC के इस नए टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग राजस्थान के इन खास जगहों पर चेक इन जरूर करें। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।